हेलो फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डिगन के बैक साइड की। इसकी लेफ्ट साइड का वीडियो जो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने इसका डिज़ाइन भी बता दिया है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इस कार्डिगन की बैक साइड में कितने स्टिचेस लिए हैं। इसमें लिए हैं मैंने 92 स्टिचेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिज़ाइन 99 के मल्टीपल्स में चलता है। 99 के मल्टीपल करके प्लस 2 करेंगे तो ये डिज़ाइन सेटल हो जाएगा। तो मैंने इसमें 99 के मल्टीपल किए हैं तो ये 90 आते हैं, और मैंने इसमें किया है प्लस 2। तो देखिए, ये डिज़ाइन नीचे से ही, जैसे मैंने वहाँ से आपको बताया था लेफ़्ट साइड में, नीचे से ही इसको स्टार्ट करेंगे और इसको सीधा सीधा आप आराम से बुनते जाएंगे। डिज़ाइन का जो वीडियो है वो लेफ़्ट साइड के उसमें है, जो लेफ़्ट मैंने डाला है इसका पोर्शन कार्डिगन का, उसमें से आप देख सकते हो। तो इसको ऐसे आप सीधा सीधा बुनते जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा बना है, तो आप इसको देखिए, ऐसे करके देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा है दिखने में। ऐसे लग रहा है सूंगड़ा सूंगड़ा सा, ये बहुत बड़ा है ये। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसकी लेंथ भी पूरी कर ली है। इसकी मैंने शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट कर ली है, जितनी हमें चाहिए है शोल्डर घटाने में। इसकी लेंथ है बॉटम टू शोल्डर 45 सेंटीमीटर। जितनी हमने कार्डिगन के लेफ़्ट साइड में रखी है उतनी ही हमने इसमें रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके करते हैं शोल्डर डिक्रीज। राइट साइड है ये फर्स्ट रो डिक्रीजिंग की, देखिए कैसे करेंगे। दो फंदे ऐसे बुन के ऊपर से निकाल देंगे, एक डिक्रीज कर लिया हमने, ये देखिए दो डिक्रीज कर लिए, और ये हमने 3 स्टिचेस इसमें डिक्रीज कर लिए। जैसे हमने लेफ़्ट साइड के पोर्शन में किए थे वैसे ही डिक्रीजिंग होनी है, पर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूंगी। देखिए देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट के जो इसके 9 स्टिचेस हैं इस पर हम डिज़ाइन नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये हम डिक्रीज ही करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे ही बुन लेते हैं। अभी हम यहाँ पे जो है डिज़ाइन नहीं चलाएंगे। यहाँ से डिज़ाइन अपना स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे हम आगे डिज़ाइन बुन रहे हैं वैसे हम इसको बुन लेंगे। ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड में है रो नंबर 2। देखिए इसमें भी हम 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। वन, टू और ये 3। देखिए ऐसे आगे का जो डिज़ाइन है वो आप जो रॉन्ग साइड से जैसे डाल रहे हैं वैसे आप इसमें डाल के कंप्लीट कर लीजिए। राइट साइड में है रो नंबर 3 में ये वाला स्टिच जो उधर वाली साइड से मैंने बिना बुने उतारा है। देखिए इन दोनों को आप ऐसे ही उतार लेंगे और ऊपर से निकाल देंगे। देखिए ऐसे एक, दो और ये 3। इसमें भी हम 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। देखिए ऐसे बाकी जो आपका ये डिज़ाइन है, देखिए इसको आप ऐसे बुन के कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 4 में हम रॉन्ग साइड में, देखिए इसमें भी हम 3 स्टिचेस ही डिक्रीज करेंगे। 1, 2 और ये 3। ये 3 स्टिचेस डिक्रीज कर लिए। आगे आपको इसमें जो उल्टी रो जैसे हम डाल रहे हैं डिज़ाइन के हिसाब से वैसे ही डाल के इसमें कंप्लीट करेंगे। देखिए
ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रो नंबर 5 में हम राइट साइड में, इसमें फ्रेंड्स हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ऐसे इसमें कर लेंगे, 1 हो गया और ये 2 स्टिचेस इसमें डिक्रीज किए हमने। आगे अपना जो डिज़ाइन है हम वैसे का वैसे चलाएंगे। देखिए आगे हम डिज़ाइन को वैसे ही चलाएंगे। ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रो नंबर 6 में हम रॉन्ग साइड में, देखिए इसमें भी हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। देखिए ऐसे इसके ऊपर से निकाल देंगे, 1 और ये 2। देखिए 2 स्टिचेस डिक्रीज कर लिए, बाकी हम जो है स्टिचेस वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से बुन लेंगे। देखिए ये रो बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राइट साइड में हम रो नंबर 7 में, इसमें फ्रेंड्स हम 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 स्टिच डिक्रीज किया है। आगे हम यहाँ पे इधर वाली साइड इसकी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई, उधर वाली साइड हम 1 करेंगे तो इसका ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास उल्टे आ जाएंगे और नेक्स्ट से देखिए आपका डिज़ाइन अच्छी तरह से चल जाएगा। देखिए यहाँ से आप अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 2 उल्टे फंदे। तो ये मैं रो पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। रॉन्ग साइड में है रो नंबर 8, लास्ट रो है डिक्रीजिंग की। देखिए ये हम यहाँ पे 1 स्टिच डिक्रीज कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इसको कैसे चलाना है। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये शोल्डर की डिक्रीजिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इधर से भी हो गई और दूसरी साइड से भी वैसे ही हमने डिक्रीज फिनिश कर लिया है जैसे हमने एक साइड से किया है। तो फ्रेंड्स अब आप इसकी शोल्डर लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। अभी आपको बुनना है काफ़ी सारा, देखिए यहाँ ऊपर आप बुनोगे। अभी इसकी शोल्डर लेंथ कंप्लीट कर लीजिए, मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने शोल्डर की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। ये लेंथ मैंने उतनी ही बनाई है जितने मैंने फ्रंट साइड के लेफ्ट पार्ट की बनाई थी, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। इसके जो कार्डिगन का फर्स्ट पार्ट है उसमें वो सारा मैंने बताया है, पहला वीडियो जो मैंने कार्डिगन का डाला था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारा बैक साइड का जो पल्ला है ये कंप्लीट होता है। अब आप देखिए ये ऊपर के इसके जो फंदे हैं मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे भी इसका नेक हल्का सा डिक्रीज कर सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं किया है। ऐसे ही ये बहुत बढ़िया आ जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती नेक डिक्रीज करने की। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा यहाँ से नेक डिक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा बैक साइड वाला जो पल्ला है बुन के कंप्लीट होता है। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बुनने में। बैक साइड का जो पल्ला होता है बहुत इजी होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसको बना लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।